गाइस हमारे माउंट चिलियाट पर लिटरली में एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए आज मैं ना यहाँ पर पेड़ लगाने का अभियान शुरू कर रहा हूँ जिससे कि हरियाली होगी और हमारा माउंट चिलियाट पे खूबसूरती होगी। अरे मुझे बचाओ गाइस, आप सभी के स्पाइडरमैन को देखिए कितनी बुरी तरह से पीटा है सारे एवेंजर्स ने। हैं ये क्या गाइस, स्पाइडरमैन की आवाज़ आई थी रोने की, स्पाइडरमैन। अरे बाप रे, ये तो स्पाइडरमैन नहीं है, कोई भिखारी लगता है मुझे। अरे मैं स्पाइडरमैन ही हूँ, मुझे पीट पीट कर टोनी ने ये हालत बना दी है मेरी। लेकिन ऐसा क्या हो गया, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी उम्र पूरी 28 साल हो चुकी है। फ्रैंकलिन तुझसे बस एक साल छोटा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। वो बोलते हैं फ्रैंकलिन जेसो के साथ रहेगा तो यही होगा। हैं इसका क्या मतलब है, मेरी शादी नहीं हुई तो उसमें तेरा क्या कनेक्शन है। गाइस ये टोनी स्टार्क तो देख रहा हूँ कितनी बुरी बेइज्जती कर रहा है, तू मेरे साथ चल, मैं बोलूंगा उससे, उसने तुझे स्टार्क मेंशन से बाहर क्यों निकाल दिया। अरे कोई फायदा नहीं है, वो सब आज शादी कर रहे हैं वहां मचा, वो तुझे पीटेंगे। नहीं गाइस एक मिनट, अवेंजर्स लिटरली में शादी कर रहे हैं और मुझे बुलाया भी नहीं। बिल्कुल भाई मंचा, मैं तो जा नहीं रहा, वो बहुत बुरा मारेंगे टोनी सर। अरे यार तू मेरे साथ चल तो सही। गाइस इसको स्पाइडरमैन को समझाओ, वो हमारे दोस्त हैं, हमें जान से थोड़ी मार देंगे, थोड़ा बहुत सुनाएंगे। लेकिन गाइस ये गलत बात है यार, यहाँ पर मेरी और स्पाइडरमैन की शादी नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब वो हमारे दोस्त नहीं रहेंगे। देख ले फ्रैंकलिन, थॉर की शादी हो रही है, टोनी सर ने तो कर भी ली। मैं बहुत अच्छी तरह से रस्मों रिवाज के साथ शादी कराऊंगा। देख ले डॉक्टर स्ट्रेंज सबकी शादी करा रहे हैं और खुद की भी करवाएंगे किसी और से। उठिए ये सब मजा आ गया, आपकी भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। डायोडीन के बच्चे तेरा जो विवाह है वो संपूर्ण हुआ, सदा खुशी रहो। बिल्कुल सही कहा, हमें जो यहाँ पर पिंक आयरन गर्ल से प्यार कब हो गया मुझे समझ ही नहीं आई। गाइस यार टोनी स्टार्क ने पिंक आयरन गर्ल से शादी कर ली और इन सभी को गिफ्ट मिले हैं। हल्क यहाँ पर क्यों है, हल्क बर्बाद हो गया, हल्क की वाइफ उसको छोड़ के चली गई। एक मिनट टोनी स्टार्क भाई, तूने यहाँ पर बेचारे स्पाइडरमैन को बाहर क्यों भगाया, क्योंकि इस बेवकूफ की शादी नहीं हुई है। देख तो सही तो यार फ्रैंकलिन, ये कितना फटीचर है, इसकी उम्र भी 28 साल हो गई है, ये तेरी तरह अकेला रह जाएगा हमेशा। मैं इससे बोलता हूँ फ्रैंकलिन के साथ ज्यादा मत रहा कर, फ्रैंकलिन के पास कुछ है नहीं है। एक मिनट, इतना मजाक क्यों उड़ा रहा है तू मेरा, मुझे तुझ पर गुस्सा आ रहा है, मैं तेरा दोस्त हूँ, कोई भिखारी थोड़ी हो। ये ले तूने यहाँ पर मेरा मजाक क्यों उड़ाया। अबे फ्रैंकलिन सच ही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पर तेरे बस की क्या है, तीन बार तेरी शादी टूट चुकी है। एक मिनट क्या कह रहा है, अरे टोनी सर प्लीज मुझे अपने साथ रख लो, मैं पक्का शादी करूंगा, प्लीज करवा दो। गाइस एक मिनट, हल्क भाई तू क्यों रो रहा है। अरे हल्क की वाइफ उसको छोड़ के चली गई, आज हल्क ने तीन बर्गर खा लिए थे जिसमें से एक, अरे पूरी बात तो सुन ले। अरे गाइस यहाँ पर देखिए थॉर को, थॉर भाई प्लीज स्पाइडरमैन को रख ले। बिल्कुल भी नहीं रखूंगा, मेरी प्यारी वाइफ आ चुकी है अब। गाइस सबके सब मतलब ही हो गए। क्या बोला फ्रैंकलिन, हम मतलब ही हो गए या फिर तू मतलब ही है, तू नहीं चाहता तेरे दोस्त यहाँ पर खुश रहे, तू चाहता है सब तेरी तरह बर्बाद रहे, किसी की शादी ना हो। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं तो खुद यहाँ पर शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तेरे बस की क्या है, हाँ तुझसे कौन लड़की प्यार करेगी, तेरे बस की क्या है बेवकूफ कहीं का, निकल जा मेरे घर से। अरे बाप रे यार टोनी स्टार्क, अच्छा चल ठीक है, मैं पक्का वादा करता हूँ, मुझे 3 दिन है, मैं 3 दिन में मैं अपनी और स्पाइडरमैन की भी शादी करवा के दिखाऊंगा। अच्छा अब तू यहाँ पर मुझे चैलेंज कर रहा है, जा मैंने तुझे 3 घंटे दिए, दिखा शादी करके। अरे 3 घंटे में कैसे कर लूंगा, निकल बेवकूफ कहीं का, तेरे बस की कुछ नहीं है, एकदम तू जीरो इंसान है, जीरो, मैं यहाँ पर सुपर हीरो हूँ, मेरी शादी हो गई है, मुझे बहुत खुशी है। अरे टोनी सर मुझे क्यों मार रहे हैं, मुझे शादी करनी है, करवा दीजिए शादी। नल यहाँ से नालायक कहीं का फ्रैंकलिन को लेकर आया था, हाँ उसके तो खुद बस की नहीं है शादी करना खुद की। अरे बाप रे दोस्तों, मैं टोनी सर से बदला लूंगा, मुझे शादी करनी होगी, मैं सारे एवेंजर्स को दिखा दूंगा, एक ना एक दिन मेरी शादी जरूर होगी। अरे गाइस बहुत बुरा मारा है टोनी स्टार्क ने, कितना सही था पहले सब कुछ। ये क्या हो गया, एक समय था दोस्तों जब हम सारे एवेंजर्स में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी, हम साथ में मिलकर कितनी मस्तियां क्या करते थे, साथ में मछलियां खाया करते थे। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन तूने, कहां गए वो दिन जब टोनी सर हल्क और हम सारे एवेंजर्स साथ में ट्रैकिंग क्या करते थे, मजाक क्या करते थे, अब क्या होगा हमारा। तू चिंता मत कर मेरे भाई, तू मेरे घर पर चल, मैं अपने मम्मी पापा से बोलूंगा कि वो मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें और तेरे लिए भी देखें, जिससे कि हम दोनों की शादी यहाँ पर खुशी खुशी हो जाए, फिर एवेंजर्स भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। एक मिनट गाइस ये सब क्या चल रहा है, सिंचन के मम्मी पापा आप लोग कब आए। फ्रैंकलिन वो किस फटीचर को ले आया, अरे वो स्पाइडरमैन है। अरे मम्मी पापा आप सभी कहीं जा रहे हैं क्या। ही हम जा रहे हैं, हमने शादी कर ली। अरे हाँ हमारी शादी हो चुकी है, मम्मी पापा ने हमारी शादी करवाने के लिए घर बेच दिया। क्या घर बेच दिया, भाई तब मेरी भी शादी हो गई, बहुत खर्चा हुआ था और बदले में बढ़िया सी बीवी मिल गई मुझे और कितने प्यारे गिफ्ट मिल गए। फ्रैंकलिन कल कितना पैसा है
हमारे पास, साथ साथ में इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं और ये गाड़ियां भी मिली हैं। एक मिनट गाइस, सिंचन पिंचन और चॉप की शादी करने के लिए मम्मी पापा आपने घर क्यों बेचा? अब मैं कहाँ रहूंगा? मेरे को नहीं पता, वैसे भी तू मेरी नाक में दम था, तूने यहाँ पर शादी कितनी बार करने की कोशिश की, तेरी होती नहीं है। तू हमारा बेटा नहीं, कलंक है, कलंक। अरे बाप रे, मम्मी पापा फ्रैंकलिन को ऐसा मत बोलो। अरे तू ही कौन सा अच्छा है, तू भी फटी चल स्पाइडरमैन है, तुम्हारे बस की नहीं है शादी करना, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई घर नहीं है, ये घर अब किसी और का हो चुका है, हम भी जा रहे हैं किसी दूसरे घर रहने। हाँ, तुझे शर्म नहीं आती फ्रैंकलिन? इतना बड़ा हो गया है, बुड्ढा होने को है, शादी क्यों नहीं करता है? अरे बाप रे, कर लूंगा शादी, लेकिन अब तो मेरे पास घर ही नहीं बचा। आप ही बताइए, कौन माँ बाप अपनी लड़की देंगे ऐसे लड़के को जिसके पास घर भी नहीं है? तो मेरी चिंता नहीं है, मेरी शादी तो अब से 40 साल पहले हो चुकी थी। जा, तू शादी करके ला, बेवकूफ कहेगा, हट जा से, मेरे कर्म फूटे थे जिस वजह से ऊपर वाले ने तुझे मुझे दे दिया, बेवकूफ कहेगा, चलो मेरे बच्चों इस घर से। अरे नहीं पापा जी, प्लीज मैं छोड़ के मर जाऊं, अब चले गए तो मैं और फ्रैंकलिन कहां रहेंगे? कहीं भी रहो, पहले शादी करो, उसके बाद ही मुझे अपनी शक्ल दिखाना, वरना कभी मत आना। बिल्कुल सही कहा आपने फ्रैंकलिन के पापा जी, चलो। अरे हां, चलो जल्दी चलते। चलो मम्मी पापा, मैं भी आ रहा हूं। यही जल्दी चलते हैं, नए घर पर कोई बढ़िया सा घर खरीदेंगे जहां पर बिना शादीशुदा वाले लोग ना रहते हो। गाइस देख रहे हो कितनी बुरी बेइज्जती की मेरे खुद के पापा ने। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, अब हम कहां जाएंगे? गाइस पहले तो मुझे ये पता करना है, मेरे मम्मी पापा ने मेरा घर किसको बेच दिया यार? मैं उससे विनती करूंगा। चल स्पाइडरमैन, हम उससे विनती करेंगे कि हमें यहां पर रहने दे, और एक बार हमारी शादी हो जाए तो उसके बाद मैं पैसा कमाकर उस मालिक को वापस कर दूंगा। हैं, रेडल के? अरे तमीज से बात कर, तेरी भाभी जी खड़ी हैं। अरे बाप रे, रेडल ने रेड शीहल से शादी कर ली? ओह माय गॉड, रेडल भाई पहले तो कांग्रेचुलेशन, दूसरी बात ये प्लीज हमारा घर हमें वापस कर दे कुछ दिन के लिए, मुझे और मेरे स्पाइडरमैन भाई को शादी करनी है, जिससे कि हम लड़की को ये बता सके कम से कम कि हमारे पास रहने को घर है, नहीं तो उस लड़की के माँ बाप मुझे और स्पाइडरमैन को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और कभी हमारी शादी नहीं होगी। अरे तो ना हो, मुझे क्या है, मेरे घर से बाहर निकलो, यहाँ लोगों के खड़े होकर सांस लेने का भी किराया लेता हूँ मैं, तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ बैठ कर ऐसी बातें करते हो? अरे बाप रे, कितना पीटता है यार ये, बेवकूफ लोग कहेंगे अरे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम जैसे नालायक लोगों की वजह से ये घर बेच दिया, तुम्हारे बस की शादी करना नहीं है तो जी क्यों रहे हो? गाइस देख रहे हो, पहले तो उसने हमें पीटा और अब यहाँ पर सफाई करवा रहा है, हमारे खून को हमसे साफ करवा रहा है। चुपचाप सफाई करो, समझे? ठीक है, कर रहे हैं। स्पाइडरमैन भाई कुछ मत बोल, ये रेडल के एक बार यहाँ से चले जाए फिर हम यहाँ से भग जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, मुझे यहाँ पर शादी करनी है, अगर मेरी शादी नहीं आने वाले कुछ दिन में तो मैं सच बता रहा हूँ तुझे फ्रैंकलिन, मैं मर जाऊंगा। ऐसी बातें मत कर यार, गाइस हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अरे बाप रे, मुझे लगता है किसी की मदद करनी होगी। अरे बाप रे, ये लोग कौन है? तुमने यहाँ पर किसी को किडनैप कर रखा है क्या? अरे बाप रे, ये कौन है? अरे बाप रे, अरे फ्रैंकलिन भाई देख, ये कौन है? अरे मैं हूँ स्पाइडर वुमन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फ्रैंकलिन जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको भी बचाती हूँ। ए मोटे रेड हल्क, तूने यहाँ पर इन मासूम लोगों को क्यों किडनैप कर रखा है? अरे ये मेरी प्रॉपर्टी में आते हैं, मुझसे मेरा घर छीनने की बातें कर रहे थे, बोल रहे थे जब तक इनकी शादी ना हो मैं इनको घर से ना भगाऊं, मेरी मर्जी मैं इनको पीटूं या भगाऊं। अरे बाप रे, ऐसी बातें क्यों करता है तू? रुक, तुझे भी बताती हूँ, तुझे शर्म नहीं आती? अरे क्या कर ले, अरे बाप रे मारती है मुझे मेरी ही बीवी के सामने, अरे बाप रे पीट दिया। वाह, अरे भाई स्पाइडरमैन ये तो तुझसे भी पावरफुल निकली। अरे हाँ फ्रैंकलिन यार, ये तो कितनी ज्यादा खतरनाक वाली सुपर हीरो निकली भाई, मुझे तो इसको देखते ही प्यार आ रहा है लिटरली में। अरे बाप रे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी दोनों को, अब तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अरे भाई फ्रैंकलिन, मुझे इस स्पाइडर वुमन से प्यार हो गया। अरे शुक्रिया मैडम जी, मुझे तो आपको देखते ही प्यार हो गया, मैं सच कह रहा हूँ। अरे बाप रे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैंने तो आपकी जान बचाई, ऊपर से आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अरे नहीं, हम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि स्पाइडर वुमन को यकीन हो जाए कि हमारा प्यारा स्पाइडर मैन उससे शादी करना चाहता है, उससे प्यार करता है। आप प्लीज लाइक कर दो वीडियो। कोई लाइक नहीं कर रहा तुम्हारी वीडियो, रुको भी बताती हूँ, चोर कहीं के हैं, तुम मेरे को यहाँ पर फंसाना चाहते हो? अरे नहीं, फंसाना नहीं चाह रहा, मैं सच में प्यार करता हूँ आपसे स्पाइडर वुमन जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे मैं अच्छा स्पाइडर मैन हूँ, निकल जाओ यहाँ से, मेरे दिल से तुम उतर चुके हो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? गाइस यहाँ पर तो मेरी शादी होने से पहले ही ब्रेकअप हो गया, मैं आज के बाद आप जैसे लोगों को कभी नहीं बचाऊंगी। अरे बाप रे गाइस, ये क्या बेचारे स्पाइडरमैन का बैड लक, वो स्पाइडर वुमन तो यार लिटरली में उसको रिजेक्ट करके चलेगी। अरे देखो फ्रैंकलिन, मैं एक फटीचर सा स्पाइडरमैन हूँ, इसलिए मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ऐसी बात नहीं है यार, हम सब तुझसे प्यार करते हैं। गाइस आप स्पाइडरमैन से प्यार करते हैं ना, तो प्लीज कमेंट में यस लिखो और साथ साथ में वीडियो लाइक भी करना मेरे लिए और स्पाइडरमैन के लिए। तू चिंता मत कर, हम स्पाइडर वुमन के घर चल
चलते हैं और उसके मम्मी पापा को समझाएंगे कि यहाँ पर हमारा स्पाइडरमैन बहुत होना रहा है। एक बार गाइस स्पाइडरमैन की शादी हो गई ना तो मेरी भी शादी हो जाएगी उसके कॉन्टेक्ट वजह से। एक मिनट गाइस, स्पाइडर वुमन इनमें से कौन सी है? हाँ पापा जी, यही लोग थे, इन्होंने ही मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, यहाँ तो दो दो जवान लड़कियां हैं। ओह माय गॉड गाइस, इस लड़की को देखिए, इसको देखते ही तो मुझे प्यार हो गया भाई इससे। स्पाइडर वुमन ये है और गाइस उसकी बहन साइड वाली है, मुझे स्पाइडर वुमन की बहन से प्यार हो गया यार। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, ये लोग तो बहुत अमीर है, मुझे नहीं लगता है ये हमें यहाँ पर शादी करने के लिए बुलाओ करेंगे। तुम लोग इधर क्यों आए हो, चुपचाप बताओ। अरे अंकल जी, मेरा भाई स्पाइडरमैन बहुत पॉपुलर था पहले, अभी यार अवेंजर्स ने उसको भगा दिया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो अभी भी असली स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन भाई, तू अपनी सुपर पावर्स दिखा इनको। बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये देखो। अरे बाप रे, ये क्या, ये तो शराब की बॉटल्स हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये एक शरीफ इज्जतदार घराना है, यहाँ पर शराब लाना बिल्कुल मना है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मेरी सुपर पावर्स में शराब कहाँ से आ गई? अरे भाई स्पाइडरमैन बेइज्जती क्यों करा रहा है? अरे अंकल जी, वो कुछ गड़बड़ हो गई होगी उसकी सुपर पावर में। निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से। अरे अंकल जी प्लीज, एक मौका दीजिए। अरे बाप रे गाइस, मेरी तो किस्मत खराब है, ये शराब की बॉटल्स कहाँ से आ गई? ये बिल्कुल पागल स्पाइडरमैन है, ये एकदम पागल है। अबे ये ले, शराब की बोतल लाएगा, चान से मार दूंगा, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे प्लीज अंकल जी, मैं आपकी बेटी स्पाइडर वुमन से बहुत प्यार करता हूँ, एक मौका दीजिए। ओह नो गाइस, बेचारे स्पाइडरमैन के साथ गलत हुआ। अबे तू बता, तू क्या कर सकता है? अरे बाप रे, मैं क्या बताऊँ, बस मैं तो बस एक सीधा साधा सा इंसान हूँ जिसको बहुत सारे बच्चे प्यार करते हैं। गाइस आप प्लीज कमेंट में यस लिख दो, बता दो इन अंकल जी को कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, और मेरे लिए वीडियो लाइक भी करना प्लीज। स्पाइडरमैन भाई उड़ जा। अरे पापा जी, ये सब के सब फ्रॉड है, इसको तो मैं बताती हूँ, ये मुझसे प्यार करता है, हाँ? इसको शर्म नहीं आती। अरे बाप रे मैडम, प्लीज मत मारो, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। अच्छा अपना नाम ही बता दो। मेरा नाम ट्रेसी है। ट्रेसी, अरे वाह कितना खूबसूरत नाम है यार, लेकिन गाइस ये मुझे मार क्यों रही है? निकल जाओ यहाँ से, हमें नहीं करनी तुमसे शादी, हम किसी होनहार और समझदार लड़की से शादी करेंगे। अरे बाप रे गाइस, मैं होनहार भी और समझदार भी हूँ, लेकिन कोई मेरी कीमत नहीं जानता। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, मैं भी आ रहा हूँ। गाइस कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं स्पाइडर वुमन से ही करूंगा, वरना जिंदगी भर कुआरा रह जाऊंगा। अरे बाप रे, कुआरा रहने से फायदा क्या, ना तो अवेंजर्स एक्सेप्ट करेंगे, ना मम्मी पापा इज्जत करेंगे, यहाँ तक कि वो रेडल जो हमसे डरता था वो भी हमारी बेइज्जती करके हमारे घर में रह रहा है। बिल्कुल सही कहा, अब हम क्या करें? तू चिंता मत कर, हम यहाँ पर सबसे पहले काम ढूंढेंगे गाइस, उसके बाद अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, उसके बाद देखना ये दोनों लड़कियां खुद हमारे पास आएंगी हमसे शादी करने। बिल्कुल सही कहा। एक मिनट फ्रैंकलिन भाई, ये सामने क्या चल रहा है, लगता है बहुत बड़ी न्यूज है। अरे भाई देखो देखो, कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, काश मेरी से शादी हो जाए। ओह माय गॉड गाइस, ये तो ट्रेसी है और साथ साथ में उसकी बहन स्पाइडर वुमन, ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ तो बच्चा लोग, जिनको भी इन दोनों खूबसूरत अप्सराओं से शादी करनी है, पहले इनका दिल जीतनी होगी, हल्क इनका दिल जीतेगा और मैं जीतूंगा इनका दिल। एक मिनट, रेडल की तो शादी होगी, रेडल वहां क्या कर रहा है? अरे भाई जल्दी से चल स्पाइडरमैन, यार ये क्या, मेरी मोहब्बत से कोई और शादी कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं गाइस, ट्रेसी से शादी तो मैं ही करूंगा, और स्पाइडर वुमन की शादी स्पाइडरमैन से ही होगी। मूंछों की कसम मैं करूंगा शादी। गाइस देखिए यार, ये कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, यहाँ पर हमारी शादी इनसे होगी। हाँ तो बच्चा लोग, जिसको भी यहाँ पर इन खूबसूरत अप्सराओं का दिल जीतना है, उसको ऑल फादर गॉड का एक सफेद गुलाब का फूल चुराना होगा, वो भी एलिमेंटल अंडे के साथ। क्या, सफेद गुलाब का फूल, वो भी एलिमेंटल पावर्स के साथ, वो भी ऑल फादर गॉड का? ओह माय गॉड गाइस, ये तो बहुत हार्ड टास्क है। अरे फ्रैंकलिन जल्दी चल। अरे मैं चलता हूँ। ये क्या भाई, रेडल तेरी तो शादी हो गई थी। अरे वो शादी टूट गई, मेरी बेइज्जती हो गई थी स्पाइडर गुएन से पिटकर, अब मैं स्पाइडर गुएन से शादी करूंगा। ये क्या गाइस, यहाँ पर ऑल फादर गॉड तो लिटरली में हमारी धरती पर ही है। अच्छी बात है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ भी हो जाए, ट्रेसी से शादी मैं करूंगा स्पाइडर गुएन से शादी। गाइस ये गुलाब का फूल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, व्हाइट रोज कहते हैं इसको। और गाइस इसके नीचे रखा ये गोल्डन एलिमेंटल पावर वाला अंडा, अगर मैंने इसको चुरा लिया तो मैं ट्रेसी का दिल जीत लूंगा और मैं स्पाइडर वुमन का दिल जीत लूंगा। चल भाई स्पाइडरमैन चलते हैं, कुछ भी हो जाए गाइस, हम अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेकर आएंगे, और यहाँ पर ट्रेसी मुझसे प्यार करने लग जाएगी। अरे हल्क, तुझे शर्म नहीं आती, मेरे दादा की उम्र का शादी करने चला है। अरे बाप रे, हल्क की भी तो यहाँ पर दिल है, हल्क को भी तो शादी करने का हक है। निकल जा, मूंछों की कसम मेरी उम्र ही क्या है, कल ही शादी हुई थी, आज ही टूट गई। कुछ भी हो जाए शादी तो मैं ही करूंगा, वरना सबकी बर्बादी कर डालूंगा। ये शुक्ला निकल यहाँ से। अरे बाप रे नहीं,
प्लीज मेरी स्पाइडर ग्वेन के पीछे क्यों पड़ा है? निकलो यहाँ से, ट्रेसी हो या स्पाइडर ग्वेन, मुझे शादी करने से मतलब है, शादी करके रहूंगा। अरे बाप रे गाइस, ये रेडल्क हमारी जिंदगियों पे कलंक बन के क्यों आया हुआ है? हल्क यहाँ पर गुस्सा हो चुका है, हल्क तेरे दादा नहीं तेरे बेटे की उम्र का है, हल्क शादी करके रहेगा। और फिर तो तू बच्चा हुआ, बच्चे शादी नहीं करते, तू बुढ़ा है, हल्क तेरा खानदान बुढ़ा है। अरे बाप रे गाइस, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे फ्रैंकलिन, अब क्या होगा उस सफेद गुलाब का? तू चिंता मत कर, ट्रेसी को और स्पाइडर ग्वेन को इंप्रेस करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, हल्क तुझे बर्बाद करेगा। अरे देख भाई फ्रैंकलिन, यहाँ पर हल्क में और रेडल्क में कितनी खतरनाक लड़ाई चल रही है। एक काम करते हैं, इनकी लड़ाई का फायदा उठाकर हम ऑल फादर गॉड के एलिमेंटल वाले अंडे को और सफेद गुलाब के फूल को चुराते हैं। वाह गाइस, कितना प्यारा लग रहा है यार ये व्हाइट फ्लावर। चलो गाइस, एलिमेंटल पावर वाले अंडे को एंड व्हाइट फ्लावर को चुराकर यहाँ से निकलते हैं। गाइस, अब मेरी और स्पाइडरमैन की शादी होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा तूने फ्रैंकलिन भाई, चल जल्दी चलते हैं। अरे ये क्या, मेरी एलिमेंटल पावर्स किसने चुराई और मेरा प्यारा गुलाब जो मेरा दिल है किसने चुराया? ओह माय गॉड गाइस, ऑल फादर गॉड तो रो रहा है, माफ करना भाई, प्यार में सब कुछ करना होता है। एक मिनट, मूछो की कसम, वो गुलाब का फूल मुझे दे दे वरना तबाह कर दूंगा स्पाइडरमैन तुझे। अरे मेरे पास थोड़ी ना है, वो तो फ्रैंकलिन के पास है। अरे यार हमारे पास ही तो है स्पाइडरमैन, मुझे क्यों फंसवा रहा है? अरे तुम हो मुंह और मसूर की दाल, चलो निकलो यहाँ से वरना मसल कर गटक जाऊंगा। अरे बाप रे, कितना बुरा मार रहा है। अरे भाई, इस जन्म में कितनी शादियां करेगा? अरे शादियां तो तुम्हारी भी हुई थी लेकिन उसके साथ साथ बर्बादियां भी हुई थी, उसी में से एक मैं भी हूँ, शादी में कर रहूंगा वो भी स्वेटर ग्वेन से। अरे बाप रे छोड़ दे, नहीं गाइस ये क्या, अरे बाप रे फ्रैंकलिन, नहीं नहीं फ्रैंकलिन, ये हमारा गुलाब का फूल लेकर जा रहा है और एलिमेंटल पावर्स भी, अब हमारी शादी कैसे होगी, हम इंजर्ड्स हमारी इज्जत कैसे करेंगे? फ्रैंकलिन उठ जा, फ्रैंकलिन हमें शादी करनी होगी। बहुत हो गया फ्रैंकलिन, तू चिंता मत कर, मैं यहाँ पर कुछ भी करूंगा। बहुत हो गया गाइस, मैं कब तक यूजलेस स्पाइडरमैन रहूंगा? हे रेडल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जल्दी चलता हूँ। अरे बाप रे, अरे मकड़ा पीछा मत पड़ मेरा, रुक तुझे आगे से हराता हूँ, ये ले ये ले ये ले ये ले, मैं अपनी शराब की बोतलों से तेरी बैंड बजा दूंगा। अरे बाप रे, ये क्या करता है, बाप रे मार दिया, ये क्या हो गया? वाह गाइस, देखा आप सभी का स्पाइडरमैन बेस्ट है ना, अगर आप सभी स्पाइडरमैन को प्यार करते हैं तो प्लीज कमेंट में स्पाइडरमैन ओपी जरूर लिखना, आज आपके स्पाइडरमैन की शादी जरूर होगी। हमेशा से मैं ही क्यों गरीब रहूं, मैं ही क्यों अकेला रहूं, मुझे शादी करनी है, अपना घर बनाना है। अरे वाह भाई स्पाइडरमैन, तू यहां पर एलिमेंटल पावर्स वाला अंडा ले आया और फ्लावर्स भी, बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, चल जल्दी चलते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और उन लड़कियों को इंप्रेस करके शादी करते हैं। अब आता हुआ चलो, यहां पर तो स्पाइडरमैन आ गया। अरे बाप रे, ये तो वही स्पाइडरमैन है जिसकी हमने बेइज्जती की थी। अरे वाह, आप तो सुपर हीरो निकले। अरे मुझे सॉरी, मुझे माफ कर दो। गाइस क्या बात है, ट्रेसी मुझसे माफी मांग रही है, क्या बात है स्पाइडरमैन, अब तो हमारी शादी पक्का है। अरे स्पाइडरमैन जी, अब तो आप मुझसे शादी करेंगी? अरे हाँ बिल्कुल शादी करूंगी, अरे मैं भी शादी करूंगी आपसे फ्रैंकलिन जी। क्या बात है गाइस, चलो अब तो एवेंजर्स को बुलाते हैं। अरे चलो, बधाई हो, मेरी तरफ से भारी भारी शुभकामनाएं। क्या बात है, थैंक यू सो मच मिक्सर सर जी, थैंक यू सो मच। बहुत हो गया, मेरी सुपर एलिमेंटल पावर्स वापस करो, किसी की शादी नहीं होगी। अरे बाप रे, ये किस बदमाश को लिया है, ये तो मार रहा है मुझे। अरे बाप रे गाइस, ये क्या, ऑल फादर गॉड बड़ा होके कैसे आ गया? अरे बाप रे फ्रैंकलिन, ये तो गड़बड़ हो गई, अब हमारी शादी कैसे होगी? अरे हमें बचा, हम मर जाएंगे। अरे नहीं गाइस, ये क्या, मेरी होने वाली वाइफ को ऑल फादर गॉड मार देगा? नहीं, अरे फ्रैंकलिन कुछ करो यार, हम तो तबाह हो जाएंगे। एवेंजर्स को बुला, सबको मार दूंगा, मेरा स्पेशल फ्लावर दो, मेरे स्पेशल पावर्स वाला अंडा भी दो। नहीं, मुझे यहाँ पर इसको रोकना होगा। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन तू कहाँ पर है? ओह नो गाइस, ये क्या, ऑल फादर गॉड इतना बड़ा कैसे हो गया? अगर गाइस उसको वापस से एलिमेंटल पावर्स वाला अंडा और वो फ्लावर्स उसने वापस से खा लिए, अपने पास रख लिए, तो वो फिर से बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन, इसलिए जल्दी से हमें उसके पास रखे एलिमेंटल पावर्स वाले अंडे और फ्लावर्स चुराने होंगे। तू चिंता मत कर स्पाइडरमैन, मैं यहाँ पर चुरा के रहूंगा। गाइस मैं आराम आराम से जा रहा हूँ। ओह नो गाइस, ये क्या, शादी तो आज करके ही रहूंगा मैं, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर अपनी होने वाली वाइफ को भी बचा लूंगा और स्पाइडरमैन की होने वाली स्पाइडर वुमन वाइफ को भी बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे हमें बचा। अरे बाप रे गाइस, ये क्या, वो बेचारी लड़कियां रो रही हैं। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, अब हम क्या करें? मुझे मेरी पावर्स वापस कर दो,
फ्रैंकलिन और स्पाइडर मकड़े, वरना तुम्हारी होने वाली बीवियों को कच्चा चबा जाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा, खा जाऊंगा, फिर किससे शादी करोगे? ओह नो गाइस नहीं, अरे यार फ्रैंकलिन, मैं यहाँ पर अपनी होने वाली वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। ए ऑल फादर गॉड, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये ले, मुझे मारेगा कीड़े। ओह नो गाइस, ये क्या, स्पाइडरमैन तो मोहब्बत में पागल हो चुका है। देखिए यहाँ पर अपनी जान खतरे में डाल दी उसने। अरे नहीं स्पाइडरमैन, ऐसे नहीं बचा पाएगा तू अपनी होने वाली वाइफ को, ना ही खुद को। नहीं चाहूं तो प्यार में मर जाऊं लेकिन पीछे ना हटूं। अरे पागल हो गया है तू, चुपचाप मेरी पावर्स वापस करो वरना तुम्हारी वाइफ तो गई। अरे नहीं फ्रैंकलिन, कुछ कर फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन कहां पर है तू? मुझे स्पाइडर वुमन को बचाना ही होगा, तुझे क्या पता मोहब्बत क्या होती है। अरे मुझे पता है यार, मुझे भी यहाँ पर अपनी होने वाली वाइफ को बचाना है। काम करते हैं इस एलिमेंटल पावर को और स्पेशल व्हाइट गुलाब को वापस कर देते हैं। नहीं हम इसको वापस तो करेंगे लेकिन इतनी आसानी से नहीं। गाइस मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, मैं यहाँ पर कुछ खतरनाक बॉम्ब्स लगा देता हूँ। जैसे ऑल फादर गॉड एलिमेंटल पावर्स वाले अंडे को और उस स्पेशल व्हाइट फ्लावर रोज को खाने की कोशिश करेगा या अपने आप से अटैच करने की कोशिश करेगा, ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, उसकी वजह से ऑल फादर गॉड खलास हो जाएगा और यहाँ पर हम अपने होने वाली वाइफ को भी बचा लेंगे और हमारी शादी भी होगी। मजा आएगा। अरे ओए ऑल फादर गॉड, ये ले, हमने तेरी सुपर एलिमेंटल पावर्स और प्लस ये जो खतरनाक व्हाइट रोज है ये तेरे पास वापस लेकर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, क्या वरना तुम बचते नहीं। चलो गाइस इसे दूर चलते हैं इससे पहले कि हमारे साथ पड़ जाए। बिल्कुल सही कहा, जल्दी भागते हैं, दूर भाग फ्रैंकलिन, जल्दी भाग। ओह माय गॉड, अब क्या होगा गाइस, अब देखिए क्या होना। अरे नहीं, मार दिया, बर्बाद कर दिया, ये क्या। गाइस अभी यहाँ पर ऑल फादर गॉड तो गया, इस वजह से मेरी और स्पाइडरमैन की शादी को होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो हमारे मम्मी पापा, स्पाइडरमैन के मम्मी पापा सब खुश हो जाएंगे। मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, मेरे पास तो फ्रैंकलिन बस तू है और ये सभी बच्चे हैं और कोई नहीं है। चिंता मत कर अवेंजर्स भी होंगे। अरे वाह, आप तो बहुत ही अच्छे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने हम सबको बचा लिया। क्या बात है गाइस, यहाँ पर ट्रेसी और स्पाइडर वुमन हमसे इंप्रेस हो गई। ये सब क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ पर ऑल फादर गॉड को बधाइयां देने आया था कि उसकी शादी है, पता चला तुम दोनों शादी कर रहे हो। बिल्कुल, यहाँ पर मेरी और स्पाइडरमैन की शादी होने जा रही है। हल्क की भी हो सकती थी लेकिन हो नहीं पाई, कोई नहीं अगले एपिसोड में हल्क करेगा। चलो गाइस, अब यहाँ पर मेरी और स्पाइडरमैन की शादी हो रही है। गाइस मैं दिल से खुश हूँ कि मेरे प्यारे स्पाइडरमैन की फ्रैंकलिन की शादी हो रही है। आप सभी कमेंट में जल्दी से कांग्रेचुलेशंस फ्रैंकलिन एंड स्पाइडरमैन लिख दो प्लीज, जल्दी से। और बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।